अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ शफीउल्ला, आप देख रहे हैं तेलंगाना स्टार चैनल। ताज्जुब की बात है, बाज़ारों को सजाया गया सेवन टॉम्स के गुंबदों को पिछले दो तीन साल से साफ़ किया जा रहा है और रेनोवेशन भी जारी है, और कई ऐसे काम हैं। चार मीनार बस स्टैंड को मुंतकिल कर दिया गया और भी कई काम किए गए, मगर उस्मानिया हॉस्पिटल जैसा था वैसा ही है। नाकस इंतजामात, इलाज के नाम पर अवाम को घुमाना, कोई जदीद सहूलियात नहीं। बारिश की वजह से उस्मानिया हॉस्पिटल तालाब में तब्दील। ऐसा लग रहा है जैसे मरीज़ों का इलाज तालाब के किनारे किया जा रहा है, वो भी गंदे पानी के तालाब के किनारे। जी आप खुद देखें ये क्या कुछ मंज़र है बारिश के दौरान उस्मानिया हॉस्पिटल का। और फिरोज़ खान ने भी तफसीली दौरा किया उस्मानिया हॉस्पिटल का और मरीज़ों से भी बातचीत की, जो कोई भी लीडर अब तक नहीं कर पाया। इख्तदार पर न होने के बावजूद फिरोज़ खान का ये दौरा काबिले तारीफ़ है। रिपोर्टर सैयद नज़ीर के साथ मैं शफीउल्ला, तेलंगाना स्टार चैनल। उनका ये उस्मानिया हॉस्पिटल है, देखो भाई अपना बंगारू तेलंगाना का गवर्नमेंट हॉस्पिटल कितना अच्छा है। देखो देख लिए पानी कितना आ रहा, बजट नहीं है इसको। हार्ट का प्रॉब्लम है और क्या ये गिर गया हाथ पर, ना उनका हार्ट का दिख रहा था, उनका फुल हार्ट में क्या चल रहा है कुछ दिख रहा है। और डॉक्टर को बोले आके देखो, जाओ बैठो जाओ, तो बोले फिफ्टी एट के क्या नाम हार्ट का प्रॉब्लम है। एक जन डॉक्टर आकर रिपोर्ट लगाए, लेकिन इतनी प्रॉब्लम बढ़ रही है, उनको अभी टीवी वी का वो लगा के रखा, दिल के मतलब कैसा चल रही क्या है आते, कुछ भी ट्रीटमेंट सीधा नहीं कर रही। आओ, हाँ मेरी क्या परेशानी है, मेरे मामी कल डेड हो गया, खाली क्वारंटाइन की टीपर जो है ना हफ्ते के दिन करे, खाली आ रही आ रही आ रही, बल्कि सुबह से कल भी जो है ना आधे दिन भिजाए, नीचे ऊपर करे, फिर जो है ना अभी भी सुबह में बोले 11 बजे रिपोर्ट आया थी, बोले चंदन गुट्टा पी एस साहब। देखो मैं परसों वालदा को ले गया, फिर वालदा गिर गए, आपको करोना होगा, कोई हाथ नहीं लगाए, घुटने के बल मार, सर पे मार, पूरे गिर गए, तो मैं अकेला वालिद साहब पैर में राठे रख के हमका पूरा चेयर लेके आए, चेयर देने में राजी नहीं है भाई, हमारा नहीं है चेयर, ढकल दे रहे हैं लोग, इतना क्या बोले पेशेंट का इलाज करो, तो हम टेस्ट आए थे, इलाज मर गया तो भी नहीं करते, बोले परसों। ये है हालचाल हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटलों का। उस्मानिया का हॉस्पिटल, उस्मानिया हॉस्पिटल है, सही टेस्ट नहीं हो रहे, टेस्ट आए तो रिपोर्ट नहीं मिल रही, इलाज करने के लिए नहीं है, डॉक्टर्स कम है यहाँ पे, 50 बेड़ा है तो 100 पेशेंट है, इलाज सीधा नहीं हो रहा। और गवर्नमेंट बड़े बड़े बातें करती कि इलाज हो रहा, और यहाँ के एमपी साहब असदुद्दीन बोलते गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में सही हो रहा। आप पूछिए, पहले से हॉस्पिटल आने डर रहे, ये काम सीधा नहीं हो रहा, और आप लोग बोलते गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कोई भी पुरसाने हाल नहीं है, गरीब और कमजोर आवाम मर रही, हैदराबाद जल रहा, कोई एक्शन नहीं ले रही। सर साहब को फोन करा, उन्हें भी फोन रिसीव नहीं कर रहे साहब। सुनिए आप क्या बोल रहे हैं बाजुक से, हो जाता रिपोर्ट नहीं है तुम्हारी। किसको फोन कर रहे हैं आप, बोलो। मेरी शेरी क्या जाते 24 घंटे हुआ डेट है, फोन असर साहब को फोन करा, मैं साहब को फोन कर दिया, वैसा होगा ऐसा होगा, तुम्हारी रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट आती डरों का, कब आती साहब रिपोर्ट,
आप मेहरबानी करके इतनी तो केसीआर की गुलामगिरी मत करो। आप शहर जल रहा, आप कभी आए उस्मानिया को? बेकार के बात करते आप, बोलते अपोजिशन इल्जाम डाल रही। क्या इल्जाम डाल रही आप लोग? आप बेकार के बात कर रहे, गरीब कमजोर मर रहा। और ये गवर्नमेंट तो बेशर्म गवर्नमेंट है, COVID-19 को छोड़ दी, टेस्ट ही चेक कर रहे आप लोग। अभी रैपिड एंटीजन टेस्ट निकाले आप, एक जगह 50 टेस्ट कर रहे खाली, और पूरे हैदराबाद में 25 सेंटर, लोग लाइनों में ठहर के परेशान हो जा रहे हैं। ऑक्सीजन लाइना नहीं है, वाइटल पार्ट्स मॉनिटर करने के लिए मशीना नहीं है। और आप लोग बोलते गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में बेहतरीन हो रहा, उस्मानिया जाओ, ENT कोठी जाओ, फीवर हॉस्पिटल जाओ। एक इंजेक्शन में जी, खाली एक इंजेक्शन देके बोल रहे हैं वाला। सुबह हाथ ऐसा आँखा खोल के देखे, देखिए हमारे वालिद साहब नीचे तड़प रहे, कोई देखने वाला नहीं है साहब। यहाँ साहब बोल रहे हैं हुआ तो हुआ था, पाँच छह करोना के टेस्ट आए तक इलाज नहीं करते बोले साहब। मेरे को हक चाहिए, फैसला चाहिए मेरे को, हमारे वालिद फैसला चाहिए, अल्लाह का वास्ता। अभी तक खाली इंजेक्शन दिए, ग्लूकोज लगा दिए, इतना तड़प रहे हमारे भाई जिसकी हद नहीं। पेशेंट को बोले तो कुछ भी नहीं हुआ, हाथ में दर्द हो रहे हैं, जीरो उस्मानिया हॉस्पिटल में जीरो फैसिलिटी है। हर किसी का एक ही कंप्लेंट है, हम हॉस्पिटल को आ रहे हैं तो कोई आके पूछ रहा नहीं, डॉक्टर खरीद नहीं आ रहे, टेस्टों की रिपोर्ट नहीं आ रही, कब्रिस्तान बना हुआ है हॉस्पिटल। सीधे में लेके आए उनको, 9 बजे लेके आए हम लोग। हाँ खाली एक्सरा निकाले बाद में यहाँ पे जाओ बोलते थे, लेके आए दिला दिला ला के डाल दिए, खाली ग्लूकोज चढ़ा दिए के खत्म हो गया, इंजेक्शन दे दे के तड़प रहे। तो डॉक्टर है ना, कौन है इधर देखने वाले, दुनिया का परेशान हो रहे देख रहे। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, मैं पूरी के दवाने का रहने वाला रईस खान बोल रहा हूँ। हमारी मामी की डेड बॉडी 2 दिन से फिरा रहे हैं, अब देते जब देते वो रिपोर्ट नहीं आ रही, वो रिपोर्ट नहीं आ रही। हमारी डेड बॉडी हमारे को दिए तो हम कुछ भी करते, क्वारंटाइन है तो आप हिसाब से आप कर लो, अगर नॉर्मल है तो हम हमारे तरीके से हम कर लेते। बस इसी गुजारिश है, यहाँ मरने से अच्छा घर में मौत आ जाना बस। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है भाई, मेरे को मेरी डेड बॉडी मिल जाना बस, ये दवा खाने से तो अच्छा घर में तड़प के मर जाना अच्छा है, उतना लापरवाही हो रही है दवा खाने में। आप फिर अच्छा साहब बोल रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटी बहुत अच्छी, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ना कोई दूसरा ना यहाँ पर पूरा शहर बर्बाद हो जा रहा, तबाह हो जा रहा। लोग फामोजों में है, सुकून से अच्छा आदमी आगे मर जा रहा भाई, और कुछ मेरे बस हम बोल रहे हैं फिर आदमी आ रहा आगे मर जा रहा। आयशा के बस हमारी डेड बॉडी हमारे को होना साहब, कल से एक रिपोर्ट नहीं आ रही, आरोप साफ करने जा रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं ऊपर। कल तो हुआ, एक हफ्ता नहीं हुआ डेट होके, कल हुआ तो उनका काम क्या है? कैसे ढकना ना कैसे क्या है कि नहीं मानते, हम किसको पूछना? अरे आवाम किसको पूछना जाके, वहाँ सामने हम हमारा अपना दर्श नहीं सुना, तुम किसके सामने सुनेंगे? वजह क्या है हमारा तो हमारा भल्ला, उसके बाद हमने आप हमारी जमात है। प्राइवेट दवाखानों में तो ले रहे नहीं, दवाखानों में तो रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे, प्राइवेट में गए तो गेट से भगा दे रहे। अब करना क्या, करना क्या, रहना क्या इंसान? उसके पास कुछ है नहीं, ये सैंपल लेके जा रहे, सैंपल लेने के बाद 2 दिन के बाद रिपोर्ट आता बोल रहे। हम आके 3 दिन और कल आज सुबह में आके सैंपल लेके गए, ऐसा देरी करे तो कैसा? ये हाल है, सुनिए। मेरी घरवाली मर गई, उन्हें मरे तक उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसकी क्या बीमारी है, कहीं को आई ले रही वो तो होना। हाँ कुछ दिन खाली इंजेक्शन दे रहे हैं जो भाग रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, आखिर में बेचारी सड़क सड़क के मर गई, डेड बॉडी सड़ लिया। 24 घंटे होगा, 24 घंटे 25 26 27 घंटे होगा। ये है हाल हकीकत हमारे उस्मानिया हॉस्पिटल का। KCR साहब, KT रामाराव साहब,
हमारे रिटेलर राजेंद्र साहब और यहाँ के एमपी असदुद्दीन साहब, आप हकीकत जान करके बात करिए। यहाँ की आवाम तड़प जा रही, आप आए तो इलाज नहीं कर सक रहे, डॉक्टर खरीद नहीं आ रहे, आप लोग यहाँ पहले टेस्टा नहीं कर रहे, टेस्टा करें तो रिपोर्ट नहीं दे सक रहे, और आवाम परेशान, और उसके बाद में मर गए बाद जिंदा कोविड को तो आप नहीं मदद कर सक रहे, मर गए बाद लाशा नहीं दे सक रहे। आप एक ऐसा पेशेंट नहीं है जो बात बोल रहा है कि उस्मानिया में सही ट्रीटमेंट हो रहा, अगर से 50 बेड़ा है तो 100 के ऊपर लोग है पेशेंट। ऑक्सीजन के लाइना नहीं है आपके पास, वाइटल पार्ट्स ऑपरेट करने के लिए आपके पास मशीना नहीं है, डॉक्टरों की तादाद कम है, नर्सों की तादाद कम है, राइट स्टाफ की तादाद कम है, आपके पास हर चीज़ आपके पास कम है। मैं केसीआर साहब को बोलता हूँ, सेक्रेटरीट बनाने की क्या ज़रूरत है, 1000 करोड़ रुपये लगा के हा? आप मेडिकल को देते थे, आप हॉस्पिटलों को देते थे, पब्लिक हेल्थ को देते थे, आप 13 दिन से तो गए सीएम साहब, और आप और आपकी पूरी गवर्नमेंट और यहाँ के एमपी साहब इतने बेशरम बन गए। गरीब और मासूम आवाम ये बात बोल रही, उस्मानिया गांधी कोठी हॉस्पिटल जाने से अच्छा घर में मर जाना अच्छा है, और आप लोग वहाँ पे टीवी चैनल के ऊपर बैठ के प्रेस पे रह के बड़े बड़े बातें करते। आप आइए, मैं आपको चैलेंज लगा रहा हूँ, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या एमआईएम पार्टी, आइए उस्मानिया में ठहर के बात करेंगे। अगर से आप एक भी पेशेंट सही बोल दिया तो मैं आप जो बोले वो करने को तैयार हूँ, ये हाल हकीकत है। अब ये उस्मानिया में ऑक्सीजन हो सब हम लाए बाहर से, पैसों से पाइप वो सब लेके आए, आप लो हमारा मरीज का इलाज करो बोलते बोले, अब कुछ तो इधर डिफरेंस आया तो हम दानी में बैठे क्या करना। ये है केसीआर की हुकूमत, हमारे उस्मानिया हॉस्पिटल की हकीकत, केसीआर केटीआर इटल राजेंद्र और खसूसी हमारे असदुद्दीन साहब, आप आपके चश्मों का नंबर बदलो या अपना नज़रिया बदलो, नहीं दिख रहा आपको ये सब, छोड़ो केसीआर की गुलामगिरी। आप इतने नाकाम एमपी है, 6 साल के अंदर एक टाइम भी केसीआर को उल्टी मिलाया नहीं, और इतनी भी गुलामगिरी छोड़िए, केसीआर के तलवे चाटना छोड़ो। आप बातें करते ये बोलते कि गाड़ी का स्टेयरिंग मेरे हाथ में है, कहाँ है असद भाई गाड़ी का स्टेयरिंग आपके हाथ में, आपके पैजामे का नाड़ा केसीआर के हाथ में है, आप तो भी जागो, मासूम कमज़ोर आवाम को कब तक दीवाना बनाएंगे आप लोग, कब तक गुलामगिरी करेंगे आप टीआरएस की और केसीआर की। जय हिंद जय कांग्रेस। हमारे तेलंगाना स्टार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम आपसे राबता कलाम करते रहें ये खबरें लेकर।